सो गाइज अभी बज रहे हैं 7 o'clock एंड लॉकडाउन खुल चुका है लखनऊ. तो अभी हम लोग नाइट रूटीन शूट करेंगे. प्रतीक आने वाला है शोरूम से और मैं उसके लिए कुछ कुक करने जा रही हूँ क्योंकि वो आते ही कुछ ना कुछ खाने को मांगेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस प्रतीक इज हियर. हाय सर, ये देखिए गाइस मेरे लिए अंडे लेके आए. और क्या लाए पतिदेव? बहुत सारी चीजें जो घर के लिए आई है. पतिदेव ऑन ड्यूटी. हाँ देंगी. ये मेरे फेवरेट ऑरेंज लेज आ गए हैं. हाउ इज योर फर्स्ट डे एट शोरूम प्रतीक? सेकंड डे एट शोरूम. इट इज एज अमेजिंग एज यू आर. ओ थैंक यू. चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सैंडविच बनाई है. चलो खाते हैं. तो वो तुम लेके आओ ना. नहीं तो देखो तुम लेके तो मैं ही आऊंगा बट दिखाओ तो ऑडियंस को कि कितना समय कितना मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ. अच्छा जी दिखाइए. कपड़ों का ख्याल रखता तुम्हारा. देखो ऑल दी सूट्स फ्रॉम फैशन सनवर्क. ये गाइस मेरे घर के लिए कुछ सूट्स है. आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे एथनिक पहनो. सिर्फ गॉड सूट. पेमेंट तुमसे लूंगा बोलना नहीं. अरे मंकी मजाक कर रहा हूं यार. आ जाओ तुम्हारे तो है. दिस इज द चीज सैंडविच. इसको हम लोग ग्रिल करते हैं एंड डैड भी हैं तो डैड को भी सर्व करेंगे. क्या हमारा इवनिंग टाइप का स्नैक चल रहा है. सो निशेट मानी आई एम बैक फ्रॉम शोरूम. तो मुझे याद किया. तुमने मुझे याद किया नहीं किया बताओ. कितना मिस किया तुमने. एक बार मुझे कॉल किया. तुमको मैंने कितनी बार फोन किया कि व्हाट्सएप निशी क्या कर रही हो. तुम यू आर स्लीपिंग इन योर ड्रीम्स. कह रही मैं सपने सोच रही हूँ कि हाँ 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 मैं यहाँ घूम रही हूँ वहाँ घूम रही हूँ. मेरे अकेले अकेले घूम रही हो. हम लोग हनीमून क्या होगा निशी. कहाँ जाएंगे हनीमून पे. हम लोग जाएंगे हम लोग वहीं कहीं जाता जाता कोई नहीं. पापा बैठे हैं सुन रहे हैं. पापा सुना तो नहीं कुछ आपने. कुछ सुना तो नहीं आपने हम लोग बात की अभी. पापा को कुछ आवाज़ तो नहीं आई. हमारे कान भर रहे हैं. डैड की भी चाय चल चुकी है यहाँ पे. वो और डैड को सैंडविच दे देंगे. और डैड को जो है ना कम कड़क चाय पिलाना. कम कड़क. वरना डैड बहुत कड़क हो जाते हैं. नहीं तो डैड फिर कड़क हो जाते हैं. अच्छा ऐसा है क्या. तो बहुत कड़क करो तुम चाय को. प्रदीप तुम बैठो. And here's a lovely sandwich. Thank you, thank you. Mom के लिए कहाँ? I'm bringing your shake. और mom के लिए कहाँ? Mom के लिए. तुम पहले. पापा शोरूम शोरूम खुल गया है. पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. तुमको भी बहुत बधाई. और टू ऑल द बिजनेस मैन इन लखनऊ मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो बधाई हो. लखनऊ क्या पूरे यूपी में. पूरी यूपी में ही हो गया है. इंडिया में. हाँ धीमे धीमे वर्ल्ड में भी. हाँ मैं समझ रहा हूँ. तो पापा कैसा लग रहा है आपको आफ्टर. हाँ अब लग रहा है कि अब चलना सीखना चाहिए हम लोग को. हाँ दोबारा फिर से कदम पे कदम बढ़ाए हम लोग आगे. हाँ, तो ये थर्ड फेज आने की तैयारी हो गई है आपकी. कह तो रहे हैं कि ये आ गया है यूके वगैरह में. थर्ड वेव आना चालू हो गया है. तो कभी कभी मन जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हम लोग करा लें उतना फायदा है. तो मन करता है कि फॉरेन में शिफ्ट हो जाए. फॉरेन में भी तो है. फॉरेन में भी तो कोरोना है. मतलब इंडिया में इतना कोरोना हो गया है लखनऊ साइड में यूपी में इंडिया में. अवेयरनेस कम है ना इसीलिए. अब वैक्सीनेशन के सब लोग करा लें तो फिर सब छुट्टी. ये मैंने पापा देखा है काफी लोग डर रहे वैक्सीन से. मतलब देर अफ्रेड की वैक्सीन लगवाने से कुछ हो जाएगा हमें. अब नहीं डर रहे. पहले डर रहे थे. अब कम हो गया डर. मेरे भी पापा शोरूम पे जैसे जो स्टाफ है उनके बच्चे उनको लगवा के दे रहे जबरदस्ती. तो मैंने आज स्टाफ से पूछा वैक्सीन लेने लगी नहीं लगी. तो उन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं लगवा रहे थे बट हमारे बच्चों ने जोर से लगवा दिया. हाँ, तो ये समझदारी है ना. वो भी समझे उसको बताने क्यों नहीं समझ रहे हैं. तो पापा इन सब चीजों के बीच में पॉजिटिव पॉइंट क्या है. आदमी अवेयर हो गया पहले के मुकाबले. बीमारियां कम हो गई. देखो और बीमारियां तो कम हो गई ना. साफ सफाई रखने से मास्क लगाने से और थोड़ा अब आदमी अवेयर हो गया है हेल्थ के प्रति. नुकसान तो हुआ बहुत. ये सब समझदारी हमारी निशी की चाय की वजह से है. पापा इतना अच्छा जब बोल रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ निशी चाय. कड़क चाय. प्रदीप चलो अब काम पे लग जाओ. पापा देखिए मुझे बहुत हुकुम लगाती है. बहुत हुकुम चलाती है मेरे ऊपर. हाँ. ये मतलब आपसे भी होता था क्या. हाँ और क्या सबके साथ होता है ये. ज्यादा सर खाते होगे 5-6 घंटे के लिए जान छूटी. निशी से अब मैं 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं मिलता. अभी तो हुए.
आज फोकल तो मैं कम गया था, आज से मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। अब तो नशी में और काम की तरफ वो हो रहा हूँ, फोकस्ड हो रहा हूँ। सब अपने अपने काम पे फोकस हो जाओ, बहुत मजा आएगा। कमाई धमाई भी करो, अब दूसरे एंजॉयमेंट भी होंगे, खुल जाएंगे मार्केट, ये वो, घूमने फिरने की भी मजा भी आएगा, रेस्टोरेंट वगैरह तैयारी कर दो, वो भी फायदा है ना। घूमने फिरने वाले पार्ट, ये डैडी घूमने फिरने वाले पार्ट, कपड़े खरीदो। वैसे घर पे बैठे थे नेकर और टी शर्ट में, अब सब घूमेंगे बाहर। प्रतीक रेडी हो जाओ, नोट ये नोट पानी इकट्ठा करूं, इकट्ठा करो, ठीक है, करता हूँ इकट्ठा में। और कुछ बोला जाएंगे हमारी जनता को? सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा। लोग पूछ रहे हैं क्यों हम लोग सब्सक्राइब करें आपको, तो क्या रीजन देंगे आप? इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाते हैं पॉजिटिविटी के लिए। अरे वाह, चलिए अब डैड ने बोल दिया, जल्दी से अभी जाके सब्सक्राइब करो, और प्रदीप तुम काम पे लगो, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो प्रतीक को मैंने छोटा सा काम दिया है। तो गाइस ये है मेरी छोटी सी पैंट्री, और आज घड़ा चेंज नहीं हुआ है, घड़े का पानी चेंज नहीं हुआ है। मीन पहले हम पानी घड़ा नीचे ले, सो गाइस हम ऑल यू नो चेंज वेंज कर लिया है, सब कर लिया है। द रीजन ऑफ माई ग्लोइंग स्किन इज लाइक मैं डेली स्वेटिंग कर रही हूँ और खूब सारा पानी पी रही हूँ, एंड एवरीथिंग हेल्दी। तो आप लोग भी ये करो, बिकॉज दिस इज अ वेदर जहाँ पे आपकी स्किन, आपका फेस बहुत अच्छा हो सकता है, ग्लोई ग्लोई हो सकता है। तो गाइज हमारा खाना डिसाइड हुआ है अंडे की भुर्जी। ओके मुझे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अंडे की भुर्जी खाओ और प्याज वाला परवल। क्या बोले इस पे, क्या नहीं खाऊंगा मैं, तुम झाड़ उस पे आप रिएक्शन दिखेगा, कैसे नहीं खाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा फिर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं अंडे की भुर्जी कैसे बना रही हूँ। प्रतीक का पूरा फोकस इज ऑन गेम, अभी थोड़ी देर थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अच्छा अच्छा खेलो खेलो खेलो, और अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, एंड देन वी विल मेक अंडे की भुर्जी, रोटी एंड प्याज वाला परवल। सो निशी की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है, और निशी का टाइम होता है अब स्टार्ट। चिन्ना आपने बोला है कि ना विदिन 5 मिनट्स बन जाएगा। यार किसी के पास टाइम नहीं है इतना, तुम्हारे 5 मिनट्स को लेके इतना वेट कर रहे हैं हम लोग इस अंडे की भुर्जी के लिए। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी क्या बन के आएगी। अच्छा अगर निशी 5-स्टार होटल में ऐसी कोई भुर्जी बनती, इसको क्या नाम होता? इसकी भुर्जी का नाम होता एग, एग फ्रॉम नटशेल, एग फ्रॉम नटशेल। और मम्मी कह रही है कि, निशी कह रही है कि ये 5 मिनट से बन जाती है एक भुर्जी। गाइस आप मेरी बात मानते हो ना, मम्मी की थोड़ी तारीफ कर दो उस ब्लॉग में। बहुत अच्छी अच्छी तारीफें करो, मेरी मम्मी सारे कमेंट्स पढ़ती है आपकी। गाइज मेरी मम्मी के लिए कुछ अच्छे शब्द हो जाए, वैसे तो लोग पढ़ते ही रहते हैं। आप पढ़ती हो मम्मी? थैंक यू तो बोलो, इतने लोग आते हैं। थैंक यू गाइज, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और आप आया करो लोगों को कभी। मम्मी तुम बताओ कौन से आम खाट रही हो? ये दशहरी आम, दशहरी आम मम्मी। अगर आपको गैस पता हो तो दशहरी हम लोग के शहर लखनऊ के पास में मलियाबाद पड़ता है, वहाँ से हर जगह एक्सपोर्ट होते हैं। और मम्मी इज अ मैंगो लवर, मम्मी इज अ पूरे आम खिलाफ, ना ना मम्मी इज अ गुटली लवर, क्या बोलते हैं उसको चिन्ना? खोखड़ी, खोखड़ी लवर, खोखड़ी बोलते हैं हम तो। तो ये गाइस हमने अपना पहला अंडे डाल दिया है, 1 down and 3 more to go। ये हम डालने वाले हैं अपना दूसरा एग। थोड़ा मैट चिन्ना ट्राई करो, तुम पकड़ोगी? मुझे दो अंडे डालने हैं। नहीं प्लीज प्लीज, मेरा मन कर रहा है। मैंने मम्मी अभी तो आप देखती प्रदीप ने क्या अंडा, मम्मी डांटेंगी यार। चुप रहो, ये देखो अंडा, ये देखो क्या अंडा फोड़ा है। मम्मी सिखाया है नहीं तुमने मेरे को यार अंडा फोड़ना? कम ऑन कम ऑन सुना, कम ऑन मम्मी, चीयर अप फॉर निशेट मानी। अब हम डालेंगे नमक एंड हरी धनिया एंड हल्दी। मम्मी ठीक कर रही है, पूरी फैमिली का। स्टार्टिंग में डालना भूल गई तो मैं अभी डाल दे रही हूँ, पक जाएगा।
और नमक ना डालो ठीक है। चलो मम्मी ने रोक दिया, हमने नहीं डाला। थोड़ी सी लाल मिर्च, हाँ लाल मिर्च थोड़ी सी डालनी चाहिए। गाइस लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी खाया करिए। लाल मिर्च आप देख लो, हम लोग खाते ही नहीं है। और मेरी मम्मी राजस्थान में है तो वो बिल्कुल भी वो नहीं खाते है नॉन मिर्च। निशी की रोटियाँ देखते हैं गाइस गोल बनती नहीं बनती है। मम्मी यार अपनी बहू का कितना साथ दोगी यार? मम्मी से खाया है ये सब। कितना साथ दोगे? मम्मी ग्रेट है तुम्हारी, आप भी तो ग्रेट हो। मुझे दोनों मम्मी मम्मी रोटियां रोटी गोल है कि थोड़ी सी शेप है पूरी इक्वल है रोटी? देखो तो रोटी तो तुम अच्छा बनाती हो यार। है मतलब रोटी हम लोगों को इंक्रीज करनी पड़ेगी और खानी पड़ेगी तो दिन भर की फैमिली का दिन पूरी फैमिली रोटी यही बनाएगी। अभी पूरी फैमिली की रोटी यही बनाएगी। मैं चार खाऊंगा, मम्मी चार खाएगी, सब चार चार खाएंगे। खट्टी रोटी एक साथ बनाएंगे। कब बनाई है खट्टी रोटी एक साथ? कौन आया दोस्तों तुम्हारे घर में? बस बनाई थी मैंने। मेरी चीना बहुत इंटेलिजेंट है हर चीज में, कुकिंग में, डेकोरेशन। देखो मम्मी चॉइस किसकी है, चॉइस किसकी है तो फिर सारा क्रेडिट मेरे को जाता है ना। बहू किसकी है? पापा की, पापा की, पापा की। बीवी किसकी है? वाइफ किसकी है? निशी दिस टेस्ट यम, बहुत यम है। पापा कैसे लगे आपको भुर्जी? मम्मी तो खा नहीं रही है बट मम्मी को दिखने से इटालियन है ना। हम लोगों ने इसका मम्मी नाम पता है क्या दिया है? एग इन नटशेल। डैड से तो पूछो। एग इन नटशेल, हाँ मजा आ गया। और परवल की तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। परवल बहुत, परवल तो भाई दो बार ले चुके हैं। बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ऑलवेज comes first. Hi guys, subscribe कीजिए मेरा चैनल। हाँ ये क्यों नहीं करते हैं आप लोग, जल्दी करिए ना। चीना और प्रतीक में कितना प्यार है, ट्रू लव है। ऐसा क्यों? मम्मी तुम्हारी लाइन थी एक, तुम हमेशा मुझे बोलती आई थी जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करनी चाहिए। ये जब मैं छोटी थी ना तो मेरी थिंकिंग थी अच्छा मैं जिससे प्यार करूंगी उसी से ही शादी करूंगी। तो मतलब जिससे तुमने प्यार किया वही तुमको मिल गया? हाँ, मुझे मिल गया। मतलब एक बार देखा और प्यार हो गया? हाँ, वो एक बार देखा। अरे, लव अच्छा पापा हमको जब देखने आए थे तो हाँ। बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं। फिर जैसे ही मम्मी को देखा पापा हो गए लट्टू। पापा ने अपने मॉम कह रही थी मेरे से कि मेकअप करो, अच्छा सा सैंडल पहनो, ड्रेस पहनो। मैंने बोला मम्मा मैं सिंपल ड्रेस पहनूंगी और सिंपल हेयर स्टाइल और मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाऊंगी। अच्छा देखे वो मेरे को पसंद करता है? देखे तो जरा दिल से होता है, ऊपर से प्यार नहीं होता। फिर आप ऐसे ही गई? मैं ऐसे ही चली गई। तब चाइना सिल्क के सूट चलते थे, चाइना सिल्क का सूट डाला फिरोजी कलर का और मैंने एक सैंडल पहना। पापा ने पहनी थी ग्रे कलर की जीन्स। अरे वो और शर्ट सन्मुख से थी क्या? देखिए हम लोग का शोरूम कितना पुराना है। हम लोग के शोरूम कितना टाइम हो गया? 70 इयर्स हो गए। गाइस आप लोगों को शोरूम टूर भी कराएंगे। आप लोग सब पूछ रहे हो कि प्रतीक का क्या ऑक्यूपेशन है, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाला है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी प्रतीक कैसा, किसके ऊपर ज्यादा गया, जैसे वो दिखाता है एक्सप्रेशन करता है, वो आप पे ज्यादा गया कि डैड पे? दोनों में 50-50 मिक्स। 50-50 मिक्स है। बेबी कितनी प्यारी है यार, वेरी ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड। नहीं है, शी इज वेरी गुड एट हार्ट एंड उनको ये सब जो पुराने टाइप की हीरोइंस होती है, सॉन्ग्स होती है, शी लव्स इट। तो हम लोग कभी भी उदास होते हैं मम्मी पुराने गाने गाते गाते आ जाती है और बहुत ही मम्मी इसी बात पे गाना होना चाहिए। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तेरे लिए, एक दूजे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। वाओ मम्मी वाओ। सो गाइस वी विल एंड द व्लॉग हियर। और अब हम लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। दिस वाज आवर नाइट रूटीन एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस। ओके गाइस सो आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस एंड कमेंट करके बताना हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। बाय।